हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अच्छे रहिए, हमारे ब्लॉग में बने रहिए। हम पहुंच गए हैं आज मिनी रेगिस्तान में, जो कि लाल बल्लू से भरा हुआ है। बंगाल का शोक। हाँ तो भाई जी, देखिए हम कहाँ पहुँच गए हैं, बंगाल में। यह है बंगाल का शोक, दामोदर नदी। घूमते घूमते पता ही नहीं चला कि कहाँ पहुँच गए। देखिए हम पानी में चलते हैं आज, कहियो पानी में चले नहीं हैं, ऐसे पानी में तैरते हैं, लेकिन आज पानी में चलेंगे। मोबाइल कस के पकड़ लेंगे, नहीं तो गिर जाएगा तो फिर ब्लॉगिंग हो जाएगा खराब। वाओ, बहुत कूल पानी है, सॉरी बहुत ठंडा पानी है। देख लीजिए पानी में जा रहे हैं, वो नाव है ना, डोंगा, वहीं पे हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अब नीचे देखिए एकदम छोटी छोटी मछलियाँ भाग रही हैं पैरों से चूमते हुए। गौतम ब्लॉगर आ चुके हैं, हम चरण स्पर्श कर लेते हैं। ये मज़ा आप लोगों को नहीं मिल सकता है, क्योंकि आप लोग घर से निकलते नहीं हैं, घूमते नहीं हैं। हम घर से निकले हैं, घूमने आए हैं, तब ये मज़ा जाकर मिला है। नहीं तो लगा था कि ज़िंदगी यूं ही कट जाएगी। देख रहे हैं कितना साफ पानी है। अरे भैया कुछ बताइए दामोदर नदी के बारे में। नहीं जानते हैं कि दामोदर नदी एक पानी का नदी है, जिसमें ढेर सारी तो पानी की ढेर सारी मछलियाँ होती है, जिसमें बल्लू, लाल बल्लू होता है, जिससे घर बनाया जाता है, समझे। लोग इतने में ही मजा कर रहे हैं। ऐसे लोग ही ज्यादा मिलते हैं अक्सर। नाव पर बहुत सारे मस्ती कर रहे हैं अभी दामोदर नदी में। इस डेंगी पर कुछ फेंकने वाला नहीं है, इसलिए पैरों से ही नाव चलाया जा रहा है। अशको की माला मेरे गले, दो चार गो रील शूटिंग हुआ है। दो चार एक हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। देख रहे हैं पीछे, इसको बंगाल का शोक इसीलिए कहा जाता है कि ये ज़्यादा तूफान लाती है, बाढ़, माल जाल की हानि होता है इसमें बहुत ज़्यादा। बिहार में कोसी नदी है, जैसे बिहार में हमारा कोसी नदी है, इसी तरह ही बंगाल में ये दामोदर नदी है। दोनों का सेम काम है, बाढ़ लाना और नुकसान करना। ऐसे ही हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा तो अच्छी अच्छी जगह पे जाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, सब के बारे में बताएंगे। किताबों की दुनिया से कभी निकल कर देखिए, तब जन्नत दिखेगी आपको।